और चलिए अब आपको सीधा केरल के वायनाड लिए चलते हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जेल नहीं पड़ती उसको बराबर, मैंने उसको क्योंकि वॉलंटियर ग्रुप में काम किया है तो मुझे पता है, तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार के परिवार मढ़ में बह रहे होंगे तब कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी, और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया। तो मैं इन परिस्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जितने डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बनकर के आपकी तरफ से आएगी हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने स्वयं ने मन मेरा भारी था क्योंकि, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा आने के कारण यहां के रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ एक्टिविटी में कोई रुकावटें हो, लेकिन आज मैंने पूरे विस्तार से सारी चीजों को देखा है। और जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है तो निर्णय करने की भी सुविधा रहती है, और मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं मुख्यमंत्री की जैसी अपेक्षाएं हैं उन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में भारत सरकार पूरा प्रयास करेगी।